सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भाई, हम एक से लेके नौ तक की छोटी संख्या बड़ी संख्या के बारे में जानेंगे और अंक किसे कहते हैं और संख्या हम किसे कहते हैं। बीच में एक अंक की छोटी संख्या, दो अंकों की, तीन अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है भाई, एक से नौ तक बड़ी व छोटी संख्या के बारे में आज हम जानेंगे भाई, कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें अंक। अंक कौन से होते हैं, अंक के बारे में हम जानेंगे इसमें, अंक और संख्या के बारे में हम जानेंगे। अंक और संख्या कौन सी होती है, अंक किसे कहते हैं और संख्या हमारी कौन सी होती है। तो अंक इसमें कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और ये ऐसे अनंत तक ये हो जाती है इसमें। अब हम संख्या लिखेंगे हम, लेकिन संख्या हम कहां से, जीरो से हम शुरू नहीं करेंगे इसके अंदर। तो जैसे हम एक से शुरू करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और दस। अब हम जानेंगे भाई एक से नौ तक बड़ी व छोटी संख्या इसमें कौन सी है। तो इसमें लिखेंगे हम एक से नौ तक छोटी संख्या, एक से नौ तक सबसे छोटी संख्या, सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक से या एक अंक, एक से नौ तक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और हम जानेंगे एक से नौ तक सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो हमारे पास इसमें एक से लेके नौ तक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास इसमें एक है, एक होती है सबसे छोटी संख्या। अब इसमें एक से नौ तक सबसे बड़ी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक से नौ तक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास इसमें कितनी है, इसमें हमारे पास सिर्फ नौ है। अब हम आगे चलते हैं भाई, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें लिखेंगे हम दो अंकों की बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे हम दो अंकों की छोटी संख्या। इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे भाई, दो अंकों की छोटी संख्या इसमें कौन सी होती है और तीन अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो इसमें देखो हमारे पास दो अंक कहां से शुरू होते हैं, तो दो अंक में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम। तो दो अंक कहां तक चलते रहते हैं, जैसे हमारे पास 11 लिखेंगे हम, 12 लिखेंगे हम और डॉट डॉट कितना आएगा, जैसे 99 और उसके बाद 100 शुरू हो जाता है, 100 शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो इसमें यहाँ एक, दो, तीन अंक शुरू हो चुके हैं इसके अंदर। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है, इसमें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंक कहां तक हमारे पास, 99 है। तो 99 हमारे पास क्या है, दो अंक की इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारे पास कितनी है, 99, कितना है, 99। अब हमें कुछ चाहिए इसके अंदर भी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दो अंक कहां से शुरू होते हैं, जैसे 10 से हमारे पास से 10 से शुरू होते हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14, तो 10 से पीछे क्या हमारे पास, 9 है। तो 9 में कितना अंक है, सिर्फ हमारे पास इसमें एक अंक है। तो ये हमारी सब क्या, एक अंक में छोटी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये हमारे पास इसमें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास इसमें कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर हमें अब तीन अंकों की छोटी संख्या लिखनी है तो यहां लिखेंगे हम तीन अंकों की छोटी संख्या, तीन अंकों की छोटी संख्या। तो तीन अंकों की छोटी संख्या और फिर तीन अंकों की हम क्या लिखेंगे इसमें, तीन अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो वीडियो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैथ समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों को इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना। तो सभी के बारे में हम दो अंकों की, तीन अंकों की, चार अंक, पांच अंक, छह अंक, सात अंक, जितने भी हमारे पास अंक आते हैं तो उनके बारे में हम जरूर जानेंगे। तो
अब जैसे हमारे पास इसमें तीन अंकों की छोटी संख्या पूछी गई है, तो तीन अंकों की छोटी संख्या हमारे पास सबसे छोटी संख्या इसमें कितनी है, तो इसमें जैसे हमारे पास यहाँ तीन अंक चलते रहेंगे इसमें, तो तीन अंक कहाँ से शुरू होते हैं, तो 100 में तीन अंक हो जाएंगे हमारे पास। और कहां तक चलेगी बड़ी संख्या इसमें डॉट डॉट, कितना आ जाएगा 999, कितना आ जाएगा इसमें 999। तो 1000 में कितने अंक हो जाते हैं, 1000 में हमारे पास चार अंक हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ हम 1000 लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 अंक हो जाएंगे, कितने अंक हो जाएंगे हमारे पास इसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें इसमें तीन अंकों की बड़ी संख्या निकालनी थी, इसमें कितना आएगा 999, कितना आएगा 999। अगर हमें चार अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है तो यहां लिखेंगे हम चार अंकों की बड़ी संख्या, चार अंकों की बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे हम चार अंकों की छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी संख्या। तो इसमें देखेंगे हम चार अंक कहां से शुरू होते हैं, चार अंकों की बड़ी संख्या, तो चार अंकों की बड़ी संख्या हमारे पास इसमें क्या तक चलेगी 9999 तक, 9999, 9999 के बाद कितना आ जाएगा 10000, कितना हो जाएगा 10000, कितना हो जाएगा 10000, 10000। तो इसमें यहां पूछा है कि चार अंकों की बड़ी संख्या, तो चार अंक हमारे पास इसमें कितने हैं 9999 दिए गए हैं, कितना दिया गया है 9999। तो हम यहाँ अगर हमें चार अंकों की बड़ी संख्या है तो 9000 इसमें 999 लिखेंगे, और चार अंकों की छोटी संख्या हमारे पास इसमें कौन सी हो जाएगी, चार अंकों की छोटी संख्या हमारे पास इसमें 1000 हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास टोटल इसमें कितने अंक चाहिए, चार अंक चाहिए हमारे पास, कितने अंक चाहिए। तो इस प्रकार से हम दोस्तों किसी भी अंक का आसानी से छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है भाई, अगर हमें बड़ी संख्या देखनी है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 9 9 लिखेंगे, हम 9 9 लिखेंगे। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है किसी भी अंक की, तो सिर्फ हमें वहां क्या करना है, एक अंक लगाना है। अगर हमें पांच अंकों की छोटी संख्या पूछी गई है तो एक अंक पहले हम सिर्फ इसमें एक लिखेंगे, और उसके पीछे हम इसमें चार जीरो बिठा देंगे, कितने जीरो बिठा देंगे, चार जीरो बिठा देंगे। तो ये हमारे पास इसमें पांच अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। अगर हमें पांच अंकों की बड़ी संख्या सबसे पूछता है तो सिर्फ उस संख्या में हमें कितना 99 लिखना है, तो 5 9 लिखेंगे हम, कितना 9 लिखेंगे, 5 9 लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी क्या इसमें बड़ी संख्या है, और ये क्या इसमें हमारी छोटी संख्या है। तो सिर्फ आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आया होगा, भाई हमें छोटी संख्या निकालनी है तो सिर्फ हमें एक अंक लगाना है, अगर दो अंकों की पूछता है तो एक अंक एक लिखेंगे, उसके पीछे हम एक जीरो लगा देंगे। अगर हमें बड़ी पूछता है दो अंकों की तो सिर्फ उसमें हम 99 लिखना होता है, मतलब 9 लिखना होता है। अगर दो अंकों की पूछता है तो सिर्फ हम इसमें 2 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी अंक की छोटी और बड़ी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।